हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जन्नत जुबैर इंस्पायर्ड लुक अंडर 10 रुपीज। विदाउट फर्दर इनटू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी एंड फॉर मॉइस्चराइजेशन आई यूज्ड जॉय एलोवेरा क्रीम जो कि 10 रुपीज़ की आती है। एंड मैं इसे अच्छी तरह से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। ये आपको थोड़ी सी ऑयली लग रही होगी बिकॉज अभी थोड़ी सी गर्मी का मौसम भी है ना, इसलिए। तो मैं इसके बाद में यूज़ कर रही हूँ फेयर एंड लवली। तो मुझे फेयर एंड लवली बिल्कुल भी पसंद नहीं बिकॉज ये थोड़ी सी पाउडरी होती है। तो इसमें मैं मिला रही हूँ मेरा DIY इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। तो इट इज़ मे बी वर्क एज अ प्राइमर बट उससे ज़्यादा ये एज अ इल्यूमिनेटर वर्क करता है एंड ये बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं इसे मिक्स करके लगाऊंगी तो ये ज़्यादा पाउडरी भी नहीं रहेगी एंड काफ़ी मॉइस्चराइज करते हुए मेरे पूरे फेस पर ब्लेंड हो जाएगी। तो ये जो इल्यूमिनेटर है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर एंड स्क्रीन में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा बिकॉज ये सच में बहुत अच्छे से वर्क करता है। एंड यस गाइस, आप देख सकते हैं ग्लो। एंड मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ पॉन्ड्स पाउडर एंड ये भी 10 रुपीज़ का ही है। तो इसे मैं अच्छी तरह से एक यू नो पफ के हेल्प से इसे सेट कर लूँगी एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से मैटिफाई हो गया है मेरा फेस। एंड पॉन्ड्स पाउडर तो हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं गाइज, हमको पता ही है कि कितना अच्छा होता है एंड 10 रुपीज़ में आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलता है। इसके बाद में मैं ये 2-in-1 पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ये लिप प्लस आईब्रो पेंसिल है। तो ये 20 रुपीज़ का था बट मैंने वो भैया को जब बताया अपने चैनल के बारे में एंड मुझे ऐसा लुक क्रिएट करना उसके बारे में, तो उन्होंने मुझे ये 10 रुपीज़ में दे दिया। 10 रुपीज़ में मैं दो चीज़ें लेकर आई थी उनके पास से, ये लेकर आई थी, एक और लिप पेंसिल लेकर आई थी वो 20 रुपीज़ की थी और साथ ही मैंने एक और लिप पेंसिल लिया था जो कि मैं यूज़ करूँगी अपने फेस को कंट्रोल करने के लिए। तो उनके पास काफ़ी अच्छा सामान था तो मैं ये ले आई, मुझे अच्छा भी लग रहा था। इसका लिप कलर भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो मुझे ये भी पसंद आया। एंड देन मेरे पास स्पूली अभी मिल नहीं रहा था, कहीं पर यू नो रखा हुआ है मुझे पता है बट पता नहीं कहाँ। तो मैं वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल में जो स्पूली होता है ना उसके हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को सेट कर ले रही हूँ। तो भाई ये तो 10 रुपीज़ का नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। एंड मैं इसी आईब्रो पेंसिल इसी लिप पेंसिल के बारे में बात कर रही थी जो कि मुझे उन्होंने 10 रुपीज़ का दिया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। और ये मेरे उस आईब्रो पेंसिल से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है जो कि मेरा 60 रुपीज़ का है। तो यू नो इसका नाम कुछ तो भी था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या नाम है इसका, बट ब्राउन कलर था और 10 रुपीज़ का था तो मैंने ले लिया बिकॉज मेरा ब्राउन आईब्रो पेंसिल पता नहीं कहाँ चला गया है, तो मैंने इसे ले लिया। एंड देन इसके बाद में मैं इसे कंट्रोल कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं इसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया मैंने। थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा था ब्लेंड करने में, थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा हो रहा था बट इट्स ओके, कर लिया जैसे भी करके। तो इसे इस तरीके से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ एंड देन इसके बाद में नोज़ में भी एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन वगैरह ना दिखे। एंड देन इसके बाद में सेम पेंसिल को लेकर मैं अपने आईलेट पर एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी। तो यार ये ना बहुत ही रफ़ टाइप की पेंसिल थी, अब 10 रुपीज़ में और क्या मिलेगा। तो इसे मैं इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी एंड आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा ब्राउन कलर आया है। एंड देन मैं ये वाला शेड लूँगी, ये भी लिप पेंसिल ही है। तो ये जो लिप पेंसिल है ना ये मेरा बहुत पहले का है, मतलब सबसे फर्स्ट लिप पेंसिल मैंने ये लिया था 2-3 ईयर्स पहले, उसका है ये। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है इसका, सॉफ्ट भी है और थोड़ा सा शिमरी शिमरी भी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये आई में एज अ यू नो एज अ आई शेडो भी अच्छा लगता है और ब्लश की तरह भी ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बहुत नेचुरल लगता है। तो अब मैं अपना सेम इल्यूमिनेटर यूज़ कर ले रही हूँ अपनी हाफ ऑफ आईलिड में ताकि थोड़ा सा शिमरी लुक आ जाए। वैसे उनके आईज़ पर मुझे कोई भी आई शेडो वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बट ये मेरी तरफ से एडिशनल है तो इसीलिए। एंड देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। एंड मैं थोड़ा सा वी बनाते हुए अपने आउटर वी में ये डार्क कलर अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ सेम पेंसिल, तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा सा शार्प सा लुक आएगा और अच्छा लगेगा। एंड जो कलर फेड हो गया है इल्यूमिनेटर की वजह से वो भी थोड़ा सा ब्राइटन अप हो जाएगा। तो अगर थोड़ा बहुत कलर लग गया है तो इस तरीके से आप पाउडर की हेल्प से या फिर कॉम्पैक्ट की हेल्प से अलग कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा बाहर तक नहीं चाहिए था, तो आप देख सकते हैं।
इस तरीके से ये क्लीन हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन मैं आईलाइनर के लिए यूज़ करी हूँ ये ब्लू हेवन का काजल, तो मुझसे क्लिप डिलीट हो गया था, तो मैंने फिर से आपको ये ड्रॉ करते हुए बताया कि मैंने इसी काजल को यूज़ किया था, वरना बहुत सारे लोग ये बोलने लगते कि मैंने चीटिंग किया है, तो मैंने चीटिंग नहीं किया है, मैंने यही काजल यूज़ किया एज अ लाइनर एंड एज अ काजल। एंड देन मैं यहाँ पर लिप लाइनर से ब्लश अप्लाई कर ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये नहीं दिखेगा, मैंने आपसे कहा कि नेचुरल टाइप का लुक देता है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मैं इसके ऊपर एक बार और लगा लूँगी ताकि थोड़ा सा तो कम से कम दिखे कि मैंने ब्लश लगाया हुआ है। तो इस तरीके से मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। वैसे उनका पूरा फेस तो दिख नहीं रहा है, तो समझ में आ नहीं रहा है कि उन्होंने ब्लश लगाया है या नहीं। तो लिप लाइनर के लिए मेरे पास ये दो ऑप्शन है, एक ये पेंसिल है एंड एक ये पेंसिल है, जो कि मैंने हर चीज़ में यूज़ किया है। तो पहले मैं इसको लगा कर देखती हूँ कि कलर कैसा है, क्योंकि उनके लिप्स में थोड़ा सा ऑरेंजिश काइंड ऑफ कलर है, तो पता नहीं ये दे पाएगा वैसा कलर या नहीं दे पाएगा। अगर नहीं देगा तो मैं फिर से इसके ऊपर एक लेयर अप्लाई करूँगी अपनी दूसरी लिप पेंसिल से। तो अगेन वो लिप लाइनर जो है वो भी 20 रुपीज़ का था, बट एज़ आई सेड कि मैंने भैया को बताया तो उन्होंने मुझे दे दिया कम में, तो मैं इसे अब लगा लूँगी अपने लिप्स पर। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक मिलता जुलता कलर आ गया है लिपस्टिक का। एंड देन मैं इस सेम इल्यूमिनेटर से अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूँगी, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मिलता जुलता सा कलर आ जाएगा। तो मैंने इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, आप वो अंडर 10 रुपीज़ भी ले सकते हैं, एंड उससे भी आप इस इल्यूमिनेटर को बना सकते हैं शिमर डस्ट वगैरह यूज़ करके। ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत नेचुरल लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है ये। एंड हियर इज़ माई फाइनल लुक गाइज, होपफुली आपको पसंद आएगा। तो गाइज प्लीज़ मेरे बालों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, थोड़े से फ्रिजी लग रहे हैं बिकॉज़ मैंने अभी बन ओपन किया है, आपको पता ही है कि मेरे को स्कूल में जुड़ा बना के जाना होता है, तो उसकी वजह से बाल ऐसे हो गए हैं मेरे। सो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, और लुक कैसा लगा आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।